I'll say ki that Almighty had a hand in saving patients. So, हम दोनों जो है वापस आ रहे थे. So, it was raining very heavily. It was just pouring cats and dogs, I'll say. And was just ऐसा लग रहा था कि कोई भी साथ नहीं था उसके. And she was just having pain and pain and pain. हमने पूछा, रोड दैट रिक्शा. मैं आगे उसके ड्राइवर की समझ लीजिए सीट पर बैठ गया. उसी रिक्शा के ऊपर भी मैनेज टू डिलीवर दैट बेबी. उस लेडी ने, मेरा नाम संजय है तो उसने भी संजय उसका नाम रखा है. ओम श्री साई राम. मेरा नाम डॉक्टर संजय अग्रवाल है और मैं एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और डायरेक्टर हूँ साई संजीवनी हॉस्पिटल सोलन का. मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मैं पेशेंट्स को अच्छे से केटर करूँ और मेरे पेशेंट्स जो हैं मुझसे खूब प्रसन्न होकर जो है इलाज करवा कर जाएँ. सो मैं कहूँगा कि मैं तो सोलन का वासी हूँ और सोलन से ही मेरा जो ज़िंदगी जो है उसका आरंभ हुआ. और जब मैं बचपन में स्कूल, यहाँ पर सेंट ल्यूक स्कूल है, वहाँ पर पढ़ा करता था, तो जब मैं करीबन 7-8 ईयर्स का होऊंगा तब भगवान श्री सत्य साई बाबा सोलन आए थे. तो जब सत्य साई बाबा जी, भगवान श्री सत्य साई बाबा सोलन आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखा, तो एकाएक कुछ ख्याल आया. जब वहाँ से ग्राउंड से मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में एक हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पड़ता है जो आज भी जोनल हॉस्पिटल है, तो उसकी मैं कहूँगा उसके बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर आई हैपन टू जस्ट बाउ माई हेड. और जब आई बाउड माई हेड आई जस्ट गॉट सम काइंड ऑफ अ लाइट फ्रॉम समवेयर, आई डोंट नो वॉट, बट इट टुक मी इन टू दिस जर्नी ऑफ माई मेडिकल करियर. आई से क्योंकि बचपन से ही मैंने सोच लिया कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा. वैसे मेरा पूरा परिवार जो है इंजीनियर्स का परिवार है, तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई. और शुरू होते 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 पहुँचते मैं 10th में गया. 10th में CBSE में हैपन टू टॉप द एग्जाम्स. उसके बाद 12th में गया चंडीगढ़, वहाँ भी हैपन टू बी इन द मेरिट. एंड देन आफ्टर दैट आई हैपन टू जॉइन इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला. एंड वहाँ पर भी इन द फाइनल ईयर आई रिसीव्ड 5 गोल्ड मेडल्स. तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने मुझे शिमला में कॉन्वोकेशन में जो है वो मेडल्स दिए, गोल्ड मेडल्स दिए. और आई वॉज फर्स्ट इन MBBS. एंड देन इट हैड टू बी लाइक दैट कि मुझे कुछ करना ही था आगे भी. तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया सर्जरी में PGI चंडीगढ़ से. और वहाँ पर PGI में भी इट हैपन दैट वे, शायद मेरे भाग्य में ही लिखा था या मेरी हिस्ट्री ही कहती है कि आई हैपन टू बी विद माई पेशेंट्स वेल एंड आई वॉज टेकन वेरी वेल एंड इन दैट एग्जाम ऑल्सो आई हैड माई सक्सेस. उसके बाद से आई डिड ट्रेनिंग्स इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. आई वेंट फॉर माई फेलोशिप इन द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड नाउ आई एम डूइंग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इन एंड आउट. एंड दैट इज़ माई स्टोरी टिल डेट. एंड काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेज में, काफ़ी सारी जगहों पर आई हैव बीन ऑनर, आई वोंट से ऑनर्ड बट आई हैव बीन रिस्पेक्टफुली गिवन सम काइंड ऑफ एन ऑनर अपने काम के लिए. माई पेरेंट्स हैव बीन माई मोटिवेटिंग फैक्टर. एंड मोटिवेशन मैं कहूँगा कि मेरे मदर की तरफ से बहुत मोटिवेशन मिलता था. और परंतु वो चाहती मुझे थी कि मैं इंडिया में ही काम करूँ, क्योंकि जब मेरे FSCS पार्ट 1 क्लियर हुआ, पार्ट 2 के लिए मैं जाने लगा था, तो शी समहाउ इट वॉज डिस्टाइंड कि आई वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू इंग्लैंड. And otherwise, I would have been somewhere in the West or maybe States or England. और मैं चाहता तो यहाँ से चला जाता, परंतु भारतवर्ष में ही मेरी जो कर्मभूमि बननी थी, और वो भी हिमाचल में और वो भी सोलन में. But motivation मेरे मदर, मेरे फादर एंड मेरे भगवान जो मेरे साथ हमेशा संग रहते हैं. और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो अब मैं कहूँगा मेरा परिवार जो मेरी धर्मपत्नी है वो भी एक मोटिवेशन फैक्टर रही मेरी प्रोग्रेस में. वो प्रोग्रेसिव, आई थिंक द प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स. And it is a multi-dimensional, like I'll say, the progressive factors which lead you to a progress. मैं जैसे बता रहा था कि आपसे बात कर रहा था कि we have been placed in LIMCA book of records twice. उसके साथ साथ India book of records once. और उसके साथ साथ और भी बहुत से Indian achievers awards I have got twice. And उसी तरह हिमाचल रत्न I have received. तो ये सब छोटे, I won't say छोटे, but these are motivation for doing something more better, I'll say, in the medical field. Because जो medicine है, मैं कहूँगा कि हमारा जो medical field है, डॉक्टरी का field है, वो एक ऐसा avenue है, एक ऐसा field है, मैं कहूँगा एक ऐसा मैदान है जहाँ पर हमारे पास lots of scope for doing good work ये रहता है. अगर मैं अपने बारे में ही सोच कर काम करूँगा, economy के बारे में सोच कर काम करूँगा, monetarily सोच कर काम करता रहूँगा, तब कहीं ना कहीं मुझे स्टॉप मिल ही जाएगा, बैरियर्स मिल ही जाएंगे, वो स्पीड ब्रेकर्स मिल ही जाएंगे. परंतु यस, आप बिल्कुल कुछ भी सोचे बिना आप अपने फील्ड में तन्मयता से काम करते जाएंगे, आई थिंक बिना सोचे समझे कि मुझे क्या मिलने वाला है.
मुझे इसकी हेल्प करनी है, मुझे इस व्यक्ति को बचाना है, बचाने की कोशिश करना है, उसे नई लाइफ देना है, वो सब यदि मैं उस दिल में अपनी तमन्ना के साथ काम करूँगा, भगवान आपके साथ हमेशा रहता है, ही वर्क्स थ्रू योर हैंड्स, एंड वो जब आता है और ही वर्क्स वर्क्स वर्क्स, ही सेज हेल्प एवर हर्ट नेवर, भगवान ने कहा, उसके साथ साथ कहा लव ऑल सर्व ऑल, तो दैट इज द टू आई थिंक द स्टेटमेंट्स विच भगवान श्री सत्साई बाबा मेड फॉर मी, आई थिंक नॉट फॉर मी, इट्स फॉर द होल वर्ल्ड एंड फॉर द होल कम्युनिटी, आई थिंक लव ऑल सर्व ऑल एंड हेल्प एवर हर्ट नेवर, दीज शुड बी द डिक्टम्स विद विच वी शुड वर्क इन एनी फील्ड, इट मे बी अदर फील्ड ऑल्सो, बट फॉर द मेडिकल फील्ड आई थिंक इट्स द मोस्ट एप्ट एंड द मोस्ट कंसर्नड जो डिक्टम्स हैं उसके साथ हमें काम करना चाहिए। मैं आपके साथ एक कपल ऑफ इंसिडेंट्स विच आई हैव हैड इन माई लाइफ, वैसे तो बहुत से इंसिडेंट्स हैं वेयर आई से कि दैट ऑलमाइटी हैड अ हैंड इन सेविंग पेशेंट्स, तो कपल ऑफ इंसिडेंट्स, वन ब्यूटिफुल इंसिडेंट आई विल नरेट इज व्हेन आई जस्ट कम्प्लीटेड माई एमएस एंड आई वाज जस्ट कम्प्लीटेड माई फाइनल ईयर एमएस एग्जाम मास्टर्स इन पीजीआई चंडीगढ़, एंड मैं कहूँगा कि न्यू ईयर ईव था, इट वॉज 31st of December, नाइट टाइम होल डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एंड द होल आई थिंक फैकल्टी ऑफ पीजीआई चंडीगढ़, वी वर देयर मेकिंग पार्टी इन बिग होटल इन चंडीगढ़, बट समहाउ बिकॉज हमारे उसका नहीं रहता है कई बार माहौल, तो हम कोई करीबन 11:30-12 भी हुए, जस्ट मी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो अब इंग्लैंड में है, तो वो हम दोनों जो है वापस आ रहे थे, एंड इट वॉज रेनिंग वेरी हैवीली, इट वॉज जस्ट पोरिंग, कैट्स एंड डॉग्स आई विल से, एंड वॉज जस्ट पोरिंग लाइक एनीथिंग, एंड वी वर ऑन द गेट्स ऑफ पीजीआई, आपने जिसने भी देखा हो पीजीआई का जो पूरा इंस्टीट्यूट है तो उसके बाहर बड़ा सा गेट है, तो उस गेट के ऊपर हम देखते क्या है कि आगे ना एक रिक्शा जो है अबंडेंट रिक्शा, किसने छोड़ दी हुई थी वो खड़ी हुई थी वहाँ रिक्शा, एंड उस रिक्शा में कहीं करहाने की आवाज़ आ रही थी, वी जस्ट मैनेज टू जस्ट लुक इनटू इट, तो वो रिक्शा कवर्ड थी, तो कवर्ड रिक्शा में देखते क्या एक गर्भवती महिला, एक बहुत छोटी सी बेचारी गरीब परिवार की होंगी, तो वो लेबर पेंस में थी, लेबर पेंस मतलब शी वॉज इन प्रसव में थी, और वो उसे लग रहा था कि कोई भी साथ नहीं था उसके, एंड शी वॉज जस्ट हैविंग पेन एंड पेन एंड पेन, हमने पूछा कि बहन क्या हुआ आपको, तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है, आई एम इन पेन्स एंड मे बी आई एम डिलीवरिंग एंड आई मे डिलीवर एनी टाइम, तो कुछ ऐसा लगा, कुछ ऐसा लाइट हमारे अंदर आई, दिमाग में आई, तो क्या किया मेरे फ्रेंड ने पीछे से धक्का दिया रिक्शा को, एंड आई जस्ट रोड दैट रिक्शा, मैं आगे उसके ड्राइवर की समझ लीजिए सीट पर बैठ गया, और उस पेडल को घुमाता हुआ पीजे का जो थोड़ा सा 100 meters अंदर रह जाता है, इमरजेंसी की हमारी सर्जरी की इमरजेंसी थी, और पूरा रैम्प है ऐसा, एंड वी मैनेज टू समहाउ जस्ट पुल इट इन, पुश इट इन, उसको हमने पूरे कॉरिडोर में लेकर चले गए, सिस्टर आइए ये करिए वो करिए, एंड अलॉट मैनी सबको पता लग गया, तो इतने से इतने स्ट्रेचर भी आ गया, इधर चारों तरफ से एक पर्दा भी आ गया, उसी रिक्शा के ऊपर वी मैनेज टू डिलीवर दैट बेबी, एंड दैट बेबी डिलीवर डॉट ऑन 12:05 पर, मैं कहूँगा न्यू ईयर में 12:05 में लड़का एक पैदा हुआ उस पर रिक्शा के ऊपर, एंड वी कुड मैनेज विद बेयर हैंड्स, वी कुड डिलीवर दैट बेबी ऑन दैट डे, एंड दैट गेव अस सो मच सेटिस्फैक्शन, और उस लड़की ने जो है उस लेडी ने, मेरा नाम संजय है तो उसने भी संजय उसका नाम रखा है, और आज वो बड़ा हो गया होगा, कहाँ पे होगा ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ, आई मीन कंटैक्ट विद देम, बट दैट वॉज अ ब्यूटिफुल इंसिडेंट वी हैड वंस इन आर लाइफ, उसके बाद उसे जैसे हमने शिफ्ट किया गायनी वार्ड में, दैट वॉज वन थिंग हाउ गॉड गिव्स लाइफ थ्रू यू थ्रू योर हैंड्स वेन एवर पॉसिबल, जहाँ आपको होता यही है अकस्मात आपको वहाँ आपको धर दिया जाता है, आपको सामने कर दिया जाता है कि आप अब काम करेंगे, इसी तरह के इंसिडेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, हम 2 साल पहले की बात है, हम ऑस्ट्रेलिया तीन साल हो गए, हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ गए, तो पर्थ इज़ ऑन द ईस्ट साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न साइड, और उसके बाद हम देखेंगे क्या वेस्टर्न साइड में था सिडनी, तो वो भी न्यू ईयर की बात है, बिल्कुल सेम डे सेम टाइमिंग्स, इट वॉज 30th of December, and we were just on a holiday with my family, my wife was there, my 2 kids were there, my mother was there, we were just on way from Perth to Sydney, and raat ko jo hai Virgin Airlines humne pakdi hui thi, Virgin Airlines mein soye hue the, raat ke samajh liye 11-12 baje honge wahan ka time, Australian standard time, aur uske Perth se flight wo ud rahi thi, aur ekaek jo hai sabhi oong rahe the, sab so rahe the, takriban raat ka waqt tha to so gaye the, and the lights were off and all dimmed down, lag raha tha ye 10-12 ghante wahan lagenge pahunchne mein, तो एकदम से एक अनाउंसमेंट होती है, इज देयर एनी डॉक्टर ऑन बोर्ड, अब देखिए आपको काम जब मिलना होता है तो काम कैसे मिलता है, तो वहाँ पे भी सोच रहा था कि यार हम फ्री 3-4 दिन हो गए हैं, डॉक्टरी कुछ की नहीं, कुछ पेशेंट देखा नहीं, तो उन्होंने कहा इज देयर एनी डॉक्टर ऑन बोर्ड, एंड आई जस्ट जंप्ड,
jumped for it. Just informed my wife and she said कि देखिए अब ऊपर से अनाउंसमेंट हुए तो डॉक्टर ऑन बोर्ड. ठीक है, भागे वहाँ पर चले गए तो कॉकपिट के पीछे, कॉकपिट पीछे जो जगह रहती है खाली. एंड आई थिंक आई वुड कॉम्प्लीमेंट दोज एयरलाइंस, द फॉरन एयरलाइंस की एवरी दे वर इक्विप्ड विद वेरी वेरी मेनी मेनी थिंग्स. सब कुछ उसमें था, उनका डिफिब्रिलेटर वहाँ पर, ऑक्सीजन उनके पास, एमरजेंसी ड्रग्स उनके पास. ऊपर देखिए कितने हज़ारों फीट ऊपर ये प्लेन उड़ रहा है एंड यू आर नाउ बींग मेड टू डू समथिंग फॉर दैट पेशेंट. एक पेशेंट, हट्टा कट्टा पेशेंट, मे बी ही मस्ट बी अ वेरी हेफ्टी हेफ्टी ऑस्ट्रेलियन, 120 केजी का होगा, और वो ही वॉज लाइंग डाउन अनकॉन्शियस, नॉट अनकॉन्शियस आई विल से इन कॉमा, एंड ही वॉज नॉट ब्रीदिंग, ब्रीद नहीं कर रहा था. एंड दे हैड जस्ट गिवन अ कॉल फॉर द डॉक्टर, ओके, बट नाउ दे वर प्लानिंग कि बीच में एडिलेड आता है तो वहाँ पे वो जो है कहते हैं फ्लाइट को वो अराउंड 10,000 फीट नीचे ला चुके थे. इट वॉज वोइंग लैंडेड इन एमरजेंसी इन दैट एयरपोर्ट. दे हैड इन्फॉर्म द क्रू डाउन स्टेयर्स एंड उसके बाद बट द डॉक्टर वेन दे हैड कॉल्ड मी, तो आई हैड भगवान विद मी आई से, एंड ही मैनेज, वी मैनेज, वी टुगेदर. आई वॉज जस्ट अफ्रेड ऑल्सो, वी वॉज जस्ट टेकन अ बैक ऑल्सो कि यार ये अंग्रेज़ है और मैं इंडियन हूँ, ना जाने मैं करते करते कुछ हो गया. वो वैसे भी आई वॉज थिंकिंग ही हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ, बट वो अभी जिंदा नहीं है, परंतु मैं कुछ करूँगा तो मे बी द होल ब्लेम कम्स ऑन मी. नहीं, ऐसा नहीं हुआ. और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, आई जस्ट मैनेज, आई गेव अ कार्डियक मसाज टू दैट फेलो, आई गेव ऑक्सीजन टू दैट फेलो, टांगे उसकी ऊँची कर दी, जो जो हमें सिखाया गया था फर्स्ट एड, ABC ऑफ लाइफ, है ना, द ABC होता है एयर वे ब्रीदिंग, ऑल काइंड ऑफ मनूवर्स आई कुड डू ऑन दैट पेशेंट, बिकॉज एवरीथिंग वी हैड, गेव अ डीफेब ऑल्सो, डीफेब मतलब डीफेब्रिलेटर, एक शॉक दिया उसके हार्ट के ऊपर, एंड दैट सडनली थोड़ी देर के बाद बोलता क्या है, वेयर एम आई, दैट वॉज थ्री वर्ड्स ही सेड, एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरी यू कैन वेल इमेजिन. उसके बाद क्या हुआ होगा, तो 20 एयर होस्टेसेस वर देयर, एंड उसके बाद माई वाइफ ऑल्सो केम कि एक बंदा गया कहाँ रात को, एक घंटे से गायब है अपनी सीट से, एंड वी वर जस्ट वी देन बोथ वर कॉम्प्लीमेंटेड बाय द होल क्रू ऑफ द एयर शिप आई विल से. एंड उसके बाद वो फ्लाइट जो है वो 10,000 फीट वापस ऊपर गई. उसके बाद वो जाके सिडनी में उतरे, एंड जब नीचे उतरते हैं तो द एयरलाइन क्रू दे सेड थैंक यू इंडियन डॉक्टर. That is what the compliment we got, the prize we got, but the ultimate prize was the satisfaction and the blessings of Bhagwan which we received. This was one very interesting incident. Talking about challenges in the medical career, dekhe challenges teen cha fields mein, I'll say we have challenges. One in our work field, that is technical. One in the social field, because so many doctors are around with us, our brothers are around, and as in any other, I think, profession, we can say we face challenges from other hospitals, other friends of ours and other surgeons, other people. Then the main challenge we face it is in the family. Family, I laugh on it because family is an equal, I think it should be given an equal standing as with your profession. But profession or agar family ko tarazu mein rakhein aur usko balance banana bahut hi mushkil kaam hai, main kahunga, kyunki profession hamesha it's a demanding profession. Demanding profession matlab aapka 24/7 it demands. Kabhi bhi phone bajta hai, kabhi bhi messages aate hain. Aajkal to social media, WhatsApp and all, so many people keep on giving you messages. Agar aapke upar faith karte hain, aapke upar hi faith karte hain, main kahunga jab aapke upar hi faith karte hain to aapko hi phone karenge, aur aap hi ko phone karenge matlab aapko usko attend karna padega matlab aapko usko kuch na kuch dena padega, medicine dena hai, surgery karna hai, ya kuch bhi kuch usko kuch aapko kuch na kuch dena hai taki wo satisfy ho jaye kisi to, chahe words hi dene, you to speak obligingly to him, that is what is warranted. उसके साथ साथ क्या होगा, कभी कभार आप तैयार हैं अपनी फैमिली के साथ खड़े हैं कहीं पार्टी में जाने के लिए, पार्टी नहीं, आउटिंग पे जाने के लिए, कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए, पूजा इत्यादि के लिए भी जाने के लिए आप खड़े हैं, और बिल्कुल डॉट आप आरती के लिए हाथ में आरती होगी और एकदम से फ़ोन आपको आता है कि भैया आपके वहाँ हॉस्पिटल में जो पेशेंट मर रहा है, आप क्या करेंगे. नाउ यू आर इन डायलेमा कहाँ पे, वो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. अगर आप आरती करेंगे पहले या उसको जाकर पेशेंट को मैनेज करेंगे, दैट इज़ द डिसीजन विच यू हैव टू मेक बिफोर द ऑलमाइटी, एंड द ऑलमाइटी सेज ऑलवेज गो रन. एंड उसके साथ साथ फैमिली का भी है, फैमिली के जितने भी हम इश्यूज़ होते हैं, फैमिली के साथ जितने भी आप समय बिताना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, उस समय में मैं कहूँगा अवलंब, कहूँगा कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ, कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ करूँ. बहुत बार आपस में मनमुटाव भी हो जाता है फैमिली के अंदर, बच्चों को आप टाइम नहीं दे पाते हो, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो. वो तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर, माई
people are doctors in my life, so they understand quite a bit. They understand, but many a times, you know, it becomes I give a guarantee at home that today it'll not be a fault on my part, and I'll be there on time. But many a times that time never comes. It is always a delay. So that delay hammers you such a bit. I'll say that it makes sure, जैसे कहते हैं ना, it was a day made. It becomes a day made. एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, अच्छा चिकित्सक बने रहने के लिए, मैं कहूँगा बन तो सब जाते हैं. डॉक्टर बनना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. आप पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, अच्छे से सिंसियरली पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि नीट नहीं क्लियर होगा या नीट पीजी नहीं क्लियर होगा या आप पीजी नहीं कर पाएंगे या एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे. इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. इट इज़ ओके, इट्स डिफ़िकल्ट, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. अब डॉक्टर आप बन गए, डॉक्टर बनने के बाद आप जब अपने प्रोफेशन में आ जाते हैं, अपने कार्य में आप कार्य करना शुरू कर देते हैं, सम की वर्ड्स शुड बी ऑलवेज रिमेंबर्ड. वन इज़ सिंसियरिटी, वन इज़ डेडिकेशन, वन इज़ कंपैशन, वन इज़ एम्पथी. ये चार शब्द यदि हम अपने जीवन में ढाल लेंगे, डॉक्टर के आवरण में कहूँगा बात एप्रन के ऊपर लिख लेंगे या चिन्हित कर लेंगे कि ये चार वर्ड्स होने चाहिए, उसके साथ साथ नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल. आप सिंसियरली काम करिए, अपना पूरा का पूरा समय अपने प्रोफेशन को दीजिए, अपने पेशेंट्स को दीजिए, अपने आप को भी देना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं कि डॉक्टर्स आर मोस्ट अनहेल्दी, बट यू हैव टू कीप योर हेल्थ फर्स्ट इन द सेंस, बिकॉज इफ़ यू आर हेल्दी देन ओनली यू कैन मेक अदर्स हेल्दी, बट यू शुड रिमेन हेल्दी. और उसके साथ साथ जो है अपने पेशेंट को आप सिंसियरली और टेक्निकली परफेक्टली उसे मैनेज करें. साथ साथ मैंने जैसे कहा, यू शुड स्पीक ऑब्लाइजिंगली, स्पीक लविंगली टू द पेशेंट्स. नहीं आप पूरी तरह मैनेज कर पा रहे हो, कम से कम उसको सांत्वना तो देंगे, उसे कहीं ना कहीं उसको तसल्ली, कुछ उसको ऐसा चीज़ देंगे कि वो आप में इतना फेथ कर बैठे कि आपको वो. मैं ये नहीं कहूँगा, आजकल वो समय चला गया जब डॉक्टर को एक भगवान माना जाता था, और भगवान मानते भी हैं. अभी आप खुद फील कीजिए कि आप एक भगवान हैं, बिकॉज डिविनिटी रिजाइड्स विद इन यू. भगवान कहते हैं कि आई वर्क थ्रू यू, तो आप खुद सोचिए कि आपके अंदर भगवान है. तो आप जब भगवान की तरह काम करते हैं, यू शुड हैव कंपैशन, यू शुड हैव एम्पैथी. कंपैशन एम्पैथी का मतलब सब जानते हैं. कंपैशन एम्पैथी मतलब आप दूसरे के जूतों में अपने पैर डालकर देखिए कि वो चुपता कहाँ पर, या फिर दूसरे के जूतों में आप पैर डालकर तो आप फील करेंगे उसको कितना दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर से क्या उम्मीद करते हैं वो आप उसको देंगे पेशेंट को. तो देखिए, सोने पे सुहागा होगा. आई थिंक फॉर द बडिंग डॉक्टर्स द ब्यूटिफुल मैसेज दैट भगवान इज गिवन इज लव ऑल सर्व ऑल, हेल्प एवर हर्ट नेवर, कीप योर हेड्स इन द फॉरेस्ट एंड योर हैंड्स इन द सोसाइटी. दैट शुड बी डिक्टम जिसके साथ उन्हें काम करना चाहिए. पूरी सिंसियरिटी के साथ काम करें, अपनी तन्मयता के साथ, लगन के साथ. अपनी किताबों को मत छोड़ें. किताबों में जो कुछ भी लिखा है वो हमारे काम के लिए नहीं है, वो पेशेंट्स के लिए है. वो पूरी तरह उसे घर कर लें अपने अंदर, और अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ एग्ज़ाम्स जो भी आते हैं उसे दें. अपने लिए भी समय निकालें, पेशेंट्स के लिए समय तो निकालना ही है, वो तो हमारे लिए लाजमी है ही, बट विद कंपैशन, विद एम्पैथी, अपने सर्विस को, अपने प्रोफेशन को जो है बड़े सिंसियरली आप कार्य में लाते रहेंगे, तो आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग अहेड. अदर देन बीइंग अ प्रोफेशनल, आई विल से हमारे जो फेसेट्स हैं लाइफ के, उन फेसेट्स में एक फेसेट जो है दैट शुड बी स्पिरिचुअलिज्म ऑल्सो. दैट स्पिरिचुअलिज्म इन द सेंस कि हमें अध्यात्म का लव, जिसे बोलते हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, ये चार जो वैल्यूज़ हैं ना, ह्यूमन वैल्यूज़, ये हर एक डॉक्टर में होना चाहिए. डॉक्टर हो चाहे एक इंसान हो, हम सब में हम चेष्टा करते हैं कि ये सब हमारे मन में हो. हम किसी से भी एनवी ना करें. जितने भी बैड वैल्यूज़ हैं, कहूँगा बैड वर्च्यूज़ हैं, वो उनसे कितना दूर हम रह सकते हैं. ग्रीड हो गया, प्राइड हो गया, या कहें कि अपने अंदर अहंकार, जिसे कहते हैं प्राइड, अहंकार कभी आना ही नहीं चाहिए. यदि हमें अहंकार आ गया तो देर नहीं लगेगी, हम कब धरती पर जब गिरे हैं. इसे आई थिंक दीज थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड बीइंग अ डॉक्टर एंड एज अ पर्सन ऑल्सो. आई थिंक वेरी मेनी थैंक्स फॉर रिकग्नाइजिंग द मेडिकल फ्रेटर्निटी. एल से पूरी कम्युनिटी, मेडिकल कम्युनिटी को आप रिकग्नाइज कर रहे हैं आज डॉक्टर्स डे के ऊपर. वर्मा ज्वेलर्स एंड स्पेशली वर्मा ज्वेलर्स का मैं थैंक्स इसलिए भी करता हूँ क्योंकि इट्स द मोस्ट, आई थिंक अ वेरी बिग ब्रांड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड आई वुड से इन इंडिया, बिकॉज आई हैव लर्नड एंड आई हैव हर्ड इट रिसीविंग सो मेनी अवार्ड्स इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो. सो आई थिंक वो एक नाम है हमारे शहर में. आई थिंक कहा ही जाता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बट यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि ऑल दैट इज ग्लिटरिंग इज गोल्ड, गोल्ड एंड गोल्ड. सो दैट इज़ वर्मा ज्वेलर्स एंड थैंक यू वेरी मच.
आई थिंक हमारे लिए डॉक्टर्स डे पर जब भी हमें सम्मान मिलता है और सम्मानित कोई भी करता है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ रिकग्नाइजिंग डॉक्टर्स ऑन डॉक्टर्स डे. थैंक यू वेरी मच.